आज बनाएंगे हम चॉकलेट शेक जो कि इंस्टेंट बनाएंगे। हम एक प्रीमिक्स पाउडर बनाएंगे जिसमें हम मिल्क ऐड करके कभी भी मिल्क शेक बना सकते हैं चॉकलेट फ्लेवर का। तो ये जो प्रीमिक्स पाउडर है पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं, फिर हम बनाएंगे चॉकलेट शेक। सबसे पहले मैंने लिया है पाउडर चीनी, आधा कप है, लगभग 100 ग्राम, वो हमने डाल दी है जार में। साथ में कोको पाउडर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून। जो कोको पाउडर है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, जो आपको सही लगता हो ब्रांड। तो मैंने ये लिया है 3 टेबल स्पून। साथ में हम ले रहे हैं अमूल्य का डेरी वाइटनर, आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड हो, नेस्ले का भी आता है, पतंजलि का भी आता है, वो आप ले सकते हो। यहाँ पे 3 टेबल स्पून डेरी वाइटनर या मिल्क पाउडर हम डाल रहे हैं इसके अंदर। साथ में हम डालेंगे इसमें ग्लूकोज पाउडर 2 टेबल स्पून डालेंगे, और प्लेन वाला लेना, रेगुलर फ्लेवर, कोई फ्लेवर्ड मत लेना इसमें। और हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। साथ में हम डाल रहे हैं वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून और चॉकलेट एसेंस 1/2 टीस्पून। तो वनीला एसेंस डाल दिया मैंने 1/2 टीस्पून, साथ में हम डालेंगे चॉकलेट एसेंस 1/2 टीस्पून। दोनों में से एक एसेंस भी हो तो भी चलेगा, आप 1 टीस्पून डाल देना, दोनों नहीं है आपके पास तो। और एक बार चला लेते हैं मिक्सर में और हमारा प्रीमिक्स पाउडर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा प्रीमिक्स पाउडर तैयार है चॉकलेट फ्लेवर का, इससे हम शेक बना सकते हैं। तो आप चिल्ड मिल्क डालोगे तो ठंडा शेक बनेगा, आप गर्म दूध भी डाल सकते हो, हॉट चॉकलेट बन जाएगा आपका। तो यहाँ मैं लगभग 3-4 चम्मच जार में डाल रहा हूँ चॉकलेट प्रीमिक्स पाउडर, और लगभग 250 ml ठंडा मिल्क मैंने डाला है। एक बार चलाएंगे और हमारा शेक तैयार हो जाएगा चॉकलेट फ्लेवर का। आप चॉकलेट आइसक्रीम डाल सकते हो इसके अंदर, चोको चिप्स डाल सकते हो। तो ये बिल्कुल तैयार है, आप बनाइए प्रीमिक्स पाउडर, ये बना के रख लीजिए। लगभग 3 महीने तक आपका प्रीमिक्स पाउडर चल जाएगा ये। बस आपको कुछ नहीं करना है, मिल्क ऐड करना है ठंडा या गर्म, और आपका शेक बिल्कुल तैयार है। तो ये आप बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, और रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।